आज खरसुलक का पौधा लगाएंगे। यहाँ दो खरसुलक का पौधा है। पहले मैंने यहाँ बड़ा वाला टब को रखा था तो इसी का यहाँ रह गया, और यहाँ मैंने सब्जी का छिलका जमा करके रखा है जो बाद में खाक बन जाएगा और फूलों में लगा पाएगा। मैं ऐसा ही करता हूँ, सब्जी का छिलका जमा करके रखता हूँ, बाद में वो खाक बन जाता है। देखिए नीचे वाला हो गया थोड़ा थोड़ा। जो बाद में वो अच्छा सा खाक बन जाएगा और गार्डन में लगा पाऊँगा। इधर हमारा थोड़ा सा खुला ज़मीन है लेट्रिन के पीछे। यहाँ मैंने धनिया का बीज भी लगा कर रखा है, अभी तक नहीं उगा, दो दिन हो गया। धनिया का बीज उगने में थोड़ा समय लगता है। उधर मिर्ची भी लगा कर रखा है, और ये हमारा घर के पीछे उधर बहुत बड़ा स्कूल है, उधर फील्ड है, बहुत अच्छा देखता है हमारे घर से। और यहाँ देखो इसी मिट्टी को लेकर जाऊँगा मैं खरसुला को लगाने के लिए। इसी मिट्टी में अच्छा से लगा के रखूँगा। हमने गोबर का खाक भी जमा करके रखा है, गांव से लेकर आया है। देखिए यही पौधा है, इसी दो पौधे को लगाऊंगा। यहाँ एक है, ये अच्छा से लगाने से जल्दी बड़ा हो जाता है और बहुत अच्छा दिखता है इसका पौधे को भी और फूल को भी। इसका बहुत कलर है, हमारा रेड कलर है। मैंने पहले भी ऐसा ही छोटा छोटा पौधा लेकर आया था और वही अब बार कर दूसरा दूसरा टब में लगा कर मैंने 3-4 टब में बड़ा कर दिया। अब ये भी और लगाऊंगा, मेरे पास नया टब नहीं है तो इस पुराना टब में लगाऊंगा। गोबर का खाक लगाया है मैंने, अच्छा से मिक्स करके लगाऊंगा। कभी ज़्यादा कहीं कम ना हो जाए, नहीं तो कहीं ज़्यादा रह जाने से थोड़ा खराब हो जाता है। मुझे गार्डनिंग करने का बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने गार्डनिंग का वीडियो ही बनाता हूँ ज़्यादातर। कभी कभी ब्लॉग भी डालता हूँ। अभी नया नया है तो रोज़ रोज़ डालने से थोड़ा आइडिया मिल जाता है, नहीं तो कुछ भी आइडिया नहीं आता। रोज़ रोज़ डालने से कुछ कुछ आइडिया आता रहता है, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करने पड़ेगा, इसलिए मैं रोज़ रोज़ वीडियो डालता हूँ और ब्लॉग भी डालता हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। कुछ कुछ मिस्टेक भी हो जाता है मेरा बोलने में, तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। मैं हिंदी सीख रहा हूँ, रोज़ रोज़ बोलने से शायद मेरा हिंदी भी अच्छा हो जाएगा। इसको अच्छा से लगाऊंगा, जल्दी बड़ा हो जाएगा ये। मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बना के दिखा दूंगा दोस्तों, जब ये बड़ा होगा और फूल का कली निकलाएगा। जो बड़ा बड़ा पौधा है इसको भी दिखाऊंगा, इसका फूल भी। दोस्तों मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और सपोर्ट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। मिट्टी को साइड में रख दूंगा, फिर से नया पॉट लेके आने से उसको लगाना पड़ेगा, इसलिए साइड में रख दूंगा मैं मिट्टी को दूसरा पौधा लगाने के लिए। हमारा यहाँ मिट्टी भी ऐसा आसानी से नहीं मिलता है, सब कुछ खरीदना पड़ता है टाउन में। देखिए दोस्तों मेरा पौधा लगाना आज का हो गया,
खरसुला इसको घर में लगाना चाहिए ऐसा बोलता है लोग। मैंने YouTube में देखा था इसलिए मैंने भी लगा के रखा। YouTube में देखने के बाद मैंने इसको लगाया है। देखिए दोस्तों, ये है मेरा बड़ा वाला पौधा, 1, 2, 3 इधर भी है, देखिए सार बहुत अच्छा हो गया। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे नए पौधे के साथ, नए गार्डनिंग के साथ। थैंक यू मेरा वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सबको।